हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइव में। इस रिपोर्ट में बात करें हम एक ऐसी अभिनेत्री एक्ट्रेस के बारे में जो लोगों के दिलों पर छाई हुई थी अपने जमाने में, लेकिन अगर आपको मालूम चले कि एक समय पर उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था तो आप लोग कहीं ना कहीं चौंकते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी अब जन्मदिन मना रही है अपना 49वां। महिमा का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग में हुआ था। महिमा का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, हालांकि उन्हें फिल्म परदेश से ड्रीम डेब्यू मिला था, लेकिन इसके बावजूद वह इंडस्ट्री में उस मकाम पर नहीं पहुंच पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। महिमा ने ग्लैमर इंडस्ट्री में एडवर्टाइजमेंट के जरिए कदम रखा था, यहाँ तक कि एक समय तो उन्हें मॉडलिंग के ऑफर के चलते पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी। वैसे मॉडलिंग के अलावा महिमा ने बतौर वीजे एक म्यूजिक चैनल में काम किया। यही उनसे प्रभावित होकर फिल्म मेकर सुभाष घई ने उन्हें फिल्म परदेश का ऑफर दे डाला। दरअसल फिल्म परदेश के लिए सुभाष घई एक नए चेहरे की तलाश में थे। 3000 लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे, लेकिन तब भी बात नहीं बनी और उनकी तलाश आखिरकार महिमा पर खत्म हुई। उस समय महिमा का असली नाम ऋतु चौधरी था। ऐसे में सुभाष घई ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी और उनका नाम ऋतु से महिमा रख दिया। वहीं से एक्ट्रेस महिमा चौधरी के रूप में पहचानी जाने लगी। परदेश के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद महिमा का करियर चल निकला और दाग द फायर, धड़कन, कुरुक्षेत्र, दिल है तुम्हारा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। इसी बीच एक हादसे ने महिमा को तोड़कर रख दिया। फिल्म दिल क्या करेगी शूटिंग के लिए जाते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महिमा बुरी तरह जख्मी हो गई। उनके चेहरे पर कांच के तकरीबन 67 टुकड़े घुस गए थे, जिससे बड़ी मुश्किल से निकाला गया। इस हादसे ने महिला पर फिजिकली और मेंटली काफी बुरा असर डाला और ये वजह रही कि वह कुछ सालों तक फिल्में नहीं कर पाई। इस बीच महिमा ने 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की और एक बेटी की मां बनी, लेकिन शादी के कुछ साल के भीतर ही बॉबी और महिमा ने तलाक ले लिया। महिमा एक सिंगल मदर और अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही कर रही है। अब आपका क्या कहना है महिमा चौधरी को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 9।